हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी मेकर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 एमसीक्यू डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह जनरल अवेयरनेस की सीरीज का पार्ट 157 है, जो कि आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस बैंक और ऑल एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। ये क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो तक जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले दोस्तों आज का थॉट जान लेते हैं। आज का थॉट है विक्टिम्स मेक एक्सक्यूजेस, हेडर्स डिलीवर रिजल्ट्स। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो पीड़ित है, पीड़ित बहाने बनाते हैं, ठीक है, जो बहाना बनाते हैं, और लीडर जो है परिणाम देते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु, ओडिशा और छोटा नागपुर और मेघालय के छोटे हिस्से में पाई जाने वाली कौन से रंग का जो लाल रंग होता है, ठीक है, कौन से रंग की जो मिट्टी होती है जिसका रंग लाल होता है और ये जो कृषि है कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों वह है लेटराइट मिट्टी। दोस्तों लेटराइट मिट्टी जो है भारत के तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र, छोटा नागपुर पठार तथा मेघालय के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है और लोहे के ऑक्साइड के कारण जो है इनका जो रंग है लाल होता है और ये मिट्टियाँ जो सामान्यता है दोस्तों लोहे तथा एलुमिनियम में समृद्ध होती है, जबकि दोस्तों जो नाइट्रोजन, पोटास, चूना तथा जैविक पदार्थ हैं उसकी कमी होती है इसमें और ये प्राय दोस्तों कम उर्वरता वाली मिट्टी है और ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। किंतु दोस्तों जो उर्वरक हैं, उर्वरक के प्रयोग से जो है इसको वर्तमान में इनमें भी खेती की जा रही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। तो दोस्तों वह है फेरिक ऑक्साइड, याद रखिएगा। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एसएससी मेकर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त यानी पोरस है। तो दोस्तों वह है चिकनी मिट्टी। दोस्तों चिकनी मिट्टी के कणों के जो आकार है वह होते हैं 0.002 मिलीमीटर से कम, ठीक है, एमएम होते हैं। और दोस्तों जबकि जो खाद भरी जो मृदा होती है यानी सिल्टी सॉइल, इनके आकार का जो कणों का जो आकार है वह होता है 0.002 से लेकर कितना होता है 0.05 mm, ठीक है, इसके बीच जो होता है दोस्तों। और दोस्तों ये जो रेतीली मृदा है, ठीक है, रेतीली मृदा मिट्टी यानी सैंडी ऑयल, इसके जो कणों का आकार है दोस्तों वह होता है 0.05 से लेकर कितना होता है 2.0 mm के बीच, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है। तो दोस्तों वह है चावल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों वह होता है जम्मू कश्मीर में। दोस्तों भारत में जो केसर का है बड़े पैमाने पर उत्पादन वो जम्मू कश्मीर में किया जाता है और दोस्तों कश्मीर घाटी जो है कश्मीर घाटी में इसकी सबसे अधिक मात्रा पैदा की जाती है। दोस्तों यहाँ पे जम्मू कश्मीर के बारे में बात हो रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं इससे रिलेटेड। जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है। तो दोस्तों वह है श्रीनगर। स्थापना हुई थी इसकी 1954 में राज्य की, ठीक है, और उपराज्यपाल है दोस्तों यहाँ के गिरीश चंद्र मुर्मू, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नव विकसित हरे गैर विषैले सेल्युलोज एरोजेल के संबंध में सच है। सॉरी दोस्तों इसको करेक्ट कर लीजिएगा, सेल्युलोज है ये। तो दोस्तों वह है बेकार कागज़ से बना। दोस्तों सर्वप्रथम जो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर यानी NUS के वैज्ञानिकों ने बेकार कागज़ को परिवर्तित करके हरे गैर विषैले यानी जो सेल्युलोज है सेल्युलोज एरोजेल का निर्माण किया था। और दोस्तों ये जो है बेहद हल्का होता है और पानी से जो है बचाव करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक डैश कवक से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों वह है पेनिसिलिन। दोस्तों पेनिसिलिन नामक जो एंटीबायोटिक है उसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों तो आप याद रखिएगा। और दोस्तों इसे जो है पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। और दोस्तों ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, आप सभी जानते हैं शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, तो शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों वह है
ट्राइकोडर्मा हार्जिनियम, ठीक है, हार्जिनम है दोस्तों। ये जो है ट्राइकोमा ट्राइकोडर्मा हार्जिनम, ये एक कवक है जो कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, और इसका पानीय उपयोग जो है विष शोधन और मृदा उपचार के प्रयोग में कवक रोग जनकों के दमन हेतु किया जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वातावरण के संबंध में SPM का विस्तार क्या है? तो दोस्तों वह फुल फॉर्म है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। दोस्तों वातावरण के जो संबंध में SPM है उसका आशय होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आलू के चिप्स के तलने पर ऑक्सीडेशन के कारण तेल के बासी होने से रोकने के लिए चिप्स के लिफाफों को किस गैस से भरा जाता है? तो दोस्तों वह है नाइट्रोजन। दोस्तों चिप्स के लिफाफों को जो है नाइट्रोजन गैस से भरा जाता है, और जिससे जो है चिप्स ताज़ा बना रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुने जो दिए गए युग्म से अलग संबंध दिखाता है। तो दोस्तों ऑड बताना है, वह है बांग्लादेश, बांग्लादेशी रुपया। दोस्तों बांग्लादेश में जो है बांग्लादेशी रुपया नहीं होता, बल्कि जो बांग्लादेशी टका है वो प्रचलन में होता है। इसके अलावा दोस्तों जो पाकिस्तान है वहाँ पे पाकिस्तानी रुपया, नेपाल में जो है नेपाली रुपया, और जो श्रीलंका है श्रीलंका में जो है क्या होता है श्रीलंकाई रुपया। ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रियाल किस देश की मुद्रा है, यानी करेंसी बतानी है दोस्तों। तो वह है ब्राज़ील। दोस्तों रियाल जो है ब्राज़ील देश की मुद्रा यानी करेंसी है। दोस्तों चीन की जो है वो क्या है बताइए? तो दोस्तों चीन की है युआन यानी कि रिबैन भी। और क्यूबा की क्या है? तो दोस्तों क्यूबा की है क्यूबन पैसो। और दोस्तों लास्ट इसमें जो दिया हुआ है गाम्बिया, तो उसकी है गैम्बियन डलासी, याद रखिएगा सारी करेंसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुने जो भिन्न है। तो दोस्तों वह है सिक्का। दोस्तों रुपये, लीरा और जो दिनार है ये सब किसी न किसी देश की मुद्राएं हैं, जबकि दोस्तों सिक्का जो है मुद्रा का एक प्रारूप है जो धातुगत रूप में प्रचलित होता है, जैसे भारतीय रुपये के 1, 2, 5 और 10 के सिक्के, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरो किसकी मुद्रा है? तो दोस्तों वह है यूरोपीय जोन की। दोस्तों यूरोपीय संघ के जो 28 सदस्य देश हैं, 28 सदस्य देशों में से 19 देशों की एकमात्र जो विधिग्राह्य मुद्रा है वो है यूरो। और दोस्तों यूरो जो है 1999 में पहली बार लेखांकन मुद्रा के रूप में प्रचलन में आया था, जिसे जो है यूरोपियन यूनियन के 15 सदस्यों जो देश थे, 15 सदस्य देशों में से 11 सदस्य देशों ने स्वीकार किया था। और भौतिक रूप से जो है यूरो के सिक्के और नोट 1 जनवरी 2002 से प्रचलन में आए थे, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों वह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दोस्तों एक क्रेडिट कार्ड जो है उसको स्वाइप करना विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों क्रेडिट कार्ड के पीछे जो है एक चुंबकीय पट्टी होती है, जब क्रेडिट कार्ड को स्वाइप किया जाता है तो उस चुंबकीय पट्टी से छोटी छोटी विद्युत धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिसके माध्यम से जो है नगद की जानकारी दर्ज होती है, याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और क्वेश्चन के लिए SSC मेकर को आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हर सोशल साइट्स पेज पे कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प हो सके, तो दूसरों की भी हेल्प कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, IPC का पूरा नाम क्या है बताइए दोस्तों? तो वह है भारतीय पेनल कोड। दोस्तों इंडियन पेनल कोड है वो भारत का मुख्य क्रिमिनल कोड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ICT किसका संक्षिप्त नाम है? तो दोस्तों फुल फॉर्म बतानी है यहाँ पे, वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों ICT जो है उसका पूर्ण रूप है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किसे संदर्भित करता है?
तो दोस्तों वह है सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। दोस्तों सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन जो है यानी CERs, ये उत्सर्जन यूनिट कार्बन क्रेडिट्स का एक प्रकार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है IFSC किसका संक्षिप्त रूप है, तो दोस्तों वह है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। दोस्तों इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड यानी IFS कोड या IFSC, ये जो है एक अक्षांशक्रिय कोड है जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक कोषों के हस्तांतरण का जो सुगम है वो बनाती हैं, याद रखिएगा, देखा होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है NGT का पूरा नाम क्या है, बताइए दोस्तों, तो वह है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। दोस्तों राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत जो है 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की स्थापना की गई थी। दोस्तों वर्तमान में जो NGT के अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ये थे जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटिव ग्रुप में शेयर ज़रूर करें और SSC मेकर को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच दोस्तों।